गंगा प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर पीलीभीत से मिल रही है उसके साथ, जहां गांव में भालू घुसने से हड़कंप मच गया है। भालू का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार सवार ने भालू का ये वीडियो बनाया है। वन विभाग की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। ये पूरा मामला कलीनगर तहसील के मल्लपुरा खजूरिया न्यूरिया का है, जहां पर एक भालू को आप देखेंगे कार के आगे भागते हुए। लेकिन बड़ा सवाल कि ये भालू रिहायशी इलाके में घूम रहा था। ये भालू भालू नूरिया में लिख रहा भी अगर क्या पास में। तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक ये वीडियो पहुंच चुकी है। इसके बाद अब एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस गांव की स्थिति क्या होगी जहां पर खुलेआम इस तरह से ये भालू भालू घूम रहा है। भालू नूरिया में लिख रहा भी अगर क्या पास में। यही भालू अगर किसी शख्स के सामने खड़ा हो जाए तो जान पर वन आएगी। यहाँ गनीमत ये रही कि गाड़ी में ये लोग मौजूद थे और भालू को दौड़ाते हुए ये वीडियो बना लिया। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ है? फतेहपुर जिले के रहने वाले एक युवक को ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई दाखिल करना महंगा पड़ गया। इसके बाद प्रधान अपने गुर्गों के साथ शिकायत करने वाले शख्स के घर धमक गया, मारपीट करने लगा। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये देखिए, ये प्रधान ना हुए शहंशाह हो गए दुनिया के। इनकी शिकायत करने पर ये गुर्गों के साथ मिलकर घर में कैसी भी स्थिति हो शख्स की पिटाई कर देंगे। शुक्र है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज है, इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही सही गिरफ्तार तो किया गया, मामला दर्ज तो किया गया। लेकिन इस पूरे मामले पे अक्सर तस्वीरें ये भी रहती हैं कि रसूख का भी इस्तेमाल किया जाता है। दो पक्षों के मध्य लड़ाई झगड़ा की बात सामने आई है। एक पक्ष के ग्राम प्रधान हैं रामसनेही यादव और दूसरे पक्ष के पाल हैं। थाने पर पाल की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, विवेचना की जा रही है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित करें और जो उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सहारनपुर से खबर है, शरारती युवकों का हंगामा देखने को मिला है। पहले तो खुलेआम फायरिंग करते हैं, दहशत फैलाते हैं। जैसे ही ये वीडियो बनाकर पोस्ट किया जाता है, पुलिस आती है, फिर ये भाग खड़े होते हैं। खेड़ा अफगान इलाके का ये मामला है। तो इस शख्स को देखिए, यहाँ पर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं पब्लिक प्लेस के बीच में। हालांकि ये मौके से फरार है। अब देखते हैं कि कितनी सफलता मिलती है, खोजबीन हो पाती है कि नहीं शख्स की। लेकिन हथियार के साथ और फिरोजाबाद में एक सिपाही को सपना चौधरी के गाने पर डांस करना महंगा पड़ गया। सिपाही का नाम राजेश कुमार, तीज मेले में ड्यूटी में तैनात थे सिपाही बाबू। लेकिन जैसे ही सपना चौधरी का गाना चालू हुआ, फिर अंदर का कलाकार जाग उठा। ये परफॉर्मेंस देखी गई लेकिन एसपी साहब से ना देखी गई, तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फतेहपुर की, जहां एक भोज कार्यक्रम और इस दौरान युवक को हर्ष फायरिंग करना महंगा पड़ा। एक शख्स की जान गई है।
हर्ष फायरिंग करते रहे थे आसमान में, लेकिन ये गोली जाके लगी एक तार में, बिजली का तार, वो टूटकर जमीन पर गिरा, जिसकी जद में चपेट में आके एक शख्स, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन दो लोग और झुलस गए हैं। लेकिन ये बंदूक लेकर तमाशा दिखाने की कोशिश करने वाले शख्स पर कब कार्रवाई होती है, ये बड़ा मसला। मालदा का फदवा गांव है जहां पर ये हर्ष फायरिंग देखे थे। इटावा में पति पत्नी और वो वाली कहानी सड़क पर देखने को मिली, जब पत्नी अपने सास के साथ मिलकर एक महिला को बीच सड़क पर जमकर पीटने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में एसपी सिटी ने कहा है कि मामले की जानकारी हुई है, अब जांच कराई जाएगी और जांच के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो आप लोगों के द्वारा मैंने भी देखा था, उसमें मुझे जो जानकारी है कि वो कोई अवैध रिलेशन का मामला है और वही आपसी मारपीट हुई है उन्हीं में, तो पुलिस वहां पहुंच गई थी मौके पर और दोनों पक्षों को लेकर थाना सिविल लाइन गई है। अब वो पूछताछ करेगी, पूछताछ के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करना होगा, जो उचित होगा वो किया जाएगा। श्रावस्ती के इकोना इलाके में अस्पताल पहुंचे पति पत्नी में जमकर नोकझोंक हुई। दरअसल नेशनल हाईवे 730 पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को ग्रामीणों ने सीएचसी इकोना भी भर्ती कराया, जहां पति पत्नी ने अस्पताल में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू किया। आपसी युद्ध चलता रहा, पत्नी पति को एक्सीडेंट के लिए कोसती रही, पति सुनता रहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ, तब जाकर कहीं इलाज शुरू हुआ। लेकिन एक्सीडेंट के बाद और उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि सपा बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भाजपा को हराने वाली पार्टी को सपा अपना समर्थन देगी। वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 में से 351 सीटें जीतने का भी लक्ष्य रखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला करके 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, तो ईमानदारी से मेहनत करके, सच्चाई के साथ लोगों को जोड़ करके और अपने सब लोगों का आशीर्वाद लेकर के हम 351 सीटें भी जीत सकते हैं। इसलिए जो उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें एक ही चीज जोड़ दो, वो फर्जी है। हमारा आपका नारा असली होगा, इसीलिए मंच पर इतने लोग बैठे हैं। हम इन सबको जोड़ करके 351 सीटें जीतने के लिए लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। और यूपी की सियासत में एक नई पार्टी का जन्म हो गया है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ नई पार्टी की घोषणा कर दी। पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी। पार्टी का झंडा नीले रंग का होगा। नई पार्टी के नाम के ऐलान के दौरान भीम आर्मी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। हालांकि 15 मई को कांशीराम के जन्मदिन के मौके पर चंद्रशेखर के कार्यक्रम को मिली अनुमति के एक दिन पहले ही नोटिस चस्पा कर प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया था। बाद में कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम आयोजन करने की जिद को देखते हुए पुलिस ने कार्यक्रम की इजाजत दे दी।
उधर कोरोना वायरस को लेकर दुनिया सतर्क है। हर आदमी जरूरत ना हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाके से परहेज कर रहा है, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच खाकी की ड्यूटी ऐसी है जिसको जनता के बीच जाना है, जनता के लिए खड़े होकर काम करना जरूरी है। लखनऊ की सड़क पर भी पुलिस वाले भी कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाकर ड्यूटी देने लगे हैं। दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और कोरोना से बचने का सिर्फ बचाव ही एक आखिरी रास्ता बचता है। ऐसे में लोगों से कैसे बचा जाए, उन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किलें हैं जिनकी ड्यूटी लोगों के बीच में होती है, और ऐसी ड्यूटी करने वालों में खाकी सबसे ज्यादा है। लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक संभालने वाले ट्रैफिक कर्मियों को विभाग की तरफ से मास्क बांटे गए हैं। चौराहे पर खड़े होकर के यहाँ पर ड्यूटी देना इनकी मजबूरी है, लिहाजा विभाग की तरफ से इनको मास्क बांटे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के तमाम लोग लखनऊ के हर चौराहे पर, खास करके जो प्रमुख चौराहे हैं जहां पर देश विदेश से लोगों का आना जाना होता है, पर्यटकों का आना जाना होता है, तमाम शहरों से लोग आते जाते हैं लखनऊ में, तो वहां पर ट्रैफिक कर्मी खास करके सतर्क नज़र आ रहे हैं। विभाग ने इनको मास्क दिए हुए हैं। उम्मीद है कि इन मास्क के ज़रिए ही कोरोना से बचा जा सकेगा, और इनके लिए भी मजबूरी है कि लोगों की ड्यूटी करना, लोगों के बीच में रहना, क्योंकि ट्रैफिक संभालना लोगों को ही संभालने के बराबर होता है। तो लिहाजा अब कोरोना से बचने के लिए खाकी भी तैयार है। एक तरफ वो मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है तो दूसरी तरफ वो अपनी भी सुरक्षा मास्क लगाकर कर रही है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। आगरा में महामारी एक्ट के मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। यहां कोरोना वायरस से संदिग्ध पीड़िता के परिजनों की तरफ से मामले को छुपाने के लिए ये मामला अब दर्ज किया हुआ है। बताया जा रहा है कि आगरा कैंट रेलवे कॉलोनी में एक महिला इटली से हनीमून मनाकर लौटी थी। बैंगलोर में पति के पीड़ित होने की पुष्टि होने के बाद ये महिला मायके आगरा लौट आई, वो भी ट्रेन से, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उसका टेस्ट कराया। आरोप है कि इस दौरान परिवार ने चिकित्सा टीम को गुमराह किया, जिस पर अब महिला के पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 269 और 270 में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आईपीसी के 269 में 6 महीने की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है, 270 में 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों के एक साथ होने का प्रावधान है। थाना सदर बाजार पे तहरीर प्राप्त हो गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब के द्वारा जो है एक तहरीर थाने स्थानीय पे दी गई है और आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर आगे भी। हरदोई में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के निरीक्षण में पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी से बचाव ही वरदान है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यूपी में 13 केस हैं, जबकि यूपी में लगभग 1400 बेड हर जिले में हमने तैयार कर रखे हैं, हर केस को गंभीरता से देख रहे हैं। एक तो ये मैं बताना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि इसमें कोरोना वायरस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे मोबाइल पर संदेश आ रहा है पिछले हफ्ता 10 दिन से और देश के हर नागरिक के मोबाइल पर आ रहा है, यदि हम उसी को थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, कोई खांसी जुकाम वाला है उससे 1 मीटर की दूरी बना रखे, लोगों को समझाए कि अपने मुँह पर कुछ रुमाल रख के तब खांसे और समय समय पर अपना हाथ धोते रहे, तो ये बचाव हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम आपका प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर अगर थोड़ा कमी हो जाता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, अन्यथा इस बीमारी से मरने की संख्या प्रतिशत में 0.2% ही है पूरे विश्व में। कौशाम्बी में जेल प्रशासन ने अनोखी पहल की है। डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश पर जेल में ही मास्क बनाने का काम शुरू हो गया है। ये मास्क कोई बाहरी कंपनी नहीं बल्कि जेल के कैदी बना रहे हैं। इस मास्क को बंदियों के अलावा जेल स्टाफ, मुलाकातियों के लिए, आने जाने वाले कैदियों के परिजनों के लिए बनाया गया है जिन्हें वो पहनेंगे। बताया जा रहा है रोजाना 100 मास्क बनाए जाएंगे। इससे पहले चरण में कुल 1500 मास्क बनाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि मास्क का टिश्यू पेपर बदल कर और भी स्टरलाइज करके दोबारा भी पहना जा सकता है। जेल की इस अनोखी पहल की बात करें तो ये चर्चा में है। जेल के बंदियों को रोजगार भी मिल रहा है। ये जेल डीजी श्री आनंद कुमार साहब के निर्देश पर बंदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
उसी कड़ी में जेल में ही बंदियों को मास्क बनवाए जा रहे हैं जिनका उपयोग हमारे बंदी कर रहे हैं। जब भी अदालत जाएंगे, जेल से बाहर कोई भी बंदी हमारा किसी भी काम से जाएगा तो जेल का बना हुआ मास्क पहनकर ही जाएगा। बंदी मुलाकात पर भी मास्क पहनकर जा रहे हैं और मुलाकातियों को भी मास्क पहनवा कर ही मुलाकात कराई जा रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान आपकी। बात औरैया की, जहां नारायणपुर इलाके में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई जिसमें एक वकील और वकील के बहन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अधिवक्ता और स्थानीय सपा एमएलसी के परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद काफी पुराना था। आरोप ये है कि मारपीट और बवाल के बाद सपा एमएलसी कमलेश पाठक और इनके समर्थकों ने फायरिंग की जिसमें अधिवक्ता मंजुल और उनकी बहन को गोली लग गई। बहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि अधिवक्ता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोहरे हत्याकांड के बाद तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। दो पक्षों में एक झगड़ा हुआ, 100 नंबर की सूचना हमको मिली तो तत्काल मौके पर पुलिस आई है। तो जैसे पुलिस आई उसी समय जो कन्फ्रंटेशन हो रहा था उसमें एक पक्ष ने गोली चला दी। जिसने गोली चलाई है अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें उनका नाम संतोष पाठक है। ये जो मौजूदा सपा के एमएलसी हैं कमलेश पाठक उनके भाई हैं। उनका ये जो मृतक परिवार है उनके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा में उनके भाई ने गोली चला दी। इसमें दो लोग की डेथ हो गई, एक की ऑन द स्पॉट हो गई है और एक को हॉस्पिटल ले जाते हुए कोलैप्स कर गए। देखिए इसमें 6 लोग हमारे पास डिटेन हैं जिसमें मौजूदा एमएलसी भी हैं, उनके दोनों भाई हमारे पास डिटेन हैं। मुजफ्फरनगर में पिछले 4 सालों से फरार चल रहे 10,000 के इनामी और तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहनलाल साहू को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जिला प्रोबेशन अधिकारी पेंशन घोटाले के मामले में फरार चल रहा था और 8 अन्य आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। आपको बता दें कि 2015 में मुजफ्फरनगर में तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह ने तत्कालीन डीपीओ मोहनलाल साहू समेत 9 लोगों को विधवा पेंशन घोटाले में आरोपी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें मोहनलाल साहू के अलावा 8 आरोपी जेल चले गए। लेकिन मोहनलाल 4 सालों से फरार चल रहा था, इसी बीच इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। मोहनलाल साहू 2015 में यहाँ पर डीपीओ के पद पर तैनात थे। उनकी तैनाती के दौरान एक विभागीय इंक्वायरी हुई। विभागीय इंक्वायरी में जांच कमेटी द्वारा उनके खिलाफ एक करप्शन एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया जो जांच क्षेत्र अधिकारी द्वारा की गई। चौथा विवेचक हूँ मैं इसका। माननीय न्यायालय के सामने ये हाजिर नहीं हो पा रहे थे, इस चक्कर में इनके ऊपर 10,000 रुपये का रिवार्ड हुआ। आज इनको सिविल लाइन की टीम ने पकड़ा है जिनको माननीय करप्शन एक्ट न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए बीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान आपकी।